एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति राणा। सो आज की इस वीडियो में मैं करने जा रही हूँ अनबॉक्सिंग। मैंने मंगाया है ये फ्लिपकार्ट से 50 रुपीज़ का स्कर्ट एंड ये 250 रुपीज़ का टॉप। सो जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं दोस्तों। सो गाइज, अगर आपने हमारे चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। सो लेट्स अनबॉक्स दीज बॉक्सेस। सो गाइज, ये दोनों बैग ना मेरे पास आ चुके हैं। इस बैग में मैंने मंगाया है जैब्रा प्रिंटेड टॉप जो कि मुझे मिला है 250 रुपीज़ का फ्लिपकार्ट से, और एक में मैंने मंगाया स्कर्ट जो कि मुझे मिली है 50 रुपीज़ की। तो ये मैंने एल साइज़ का टॉप मंगाया हुआ है और ये ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसको पॉलीथीन से निकाल लेते हैं और देखते हैं इसमें किस तरीके से क्लॉथ मटेरियल आया हुआ है। तो एल साइज़ मैंने इसको मंगाया है और इसका कलर ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था और जैसा फ़ोटो में था वैसा ही बिल्कुल सेम लग रहा था। आप इसे मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन हर जगह से इसको परचेज़ कर सकते हैं। बट गाइज, यार सीरियसली बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एंड इसकी डोरियाँ ना बड़ी ऑसम लग रही हैं यार सीरियसली। इसको पहनने में ना बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा एंड गाइज ये ना बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहा है। एंड द नेक्स्ट वन, इस स्कर्ट को भी ओपन कर लेते हैं। सो ये मैंने 50 रुपीज़ का मंगाया बिकॉज मेरे फ्लिपकार्ट वॉलेट पे 100 रुपीज़ थे एंड कॉइन थे मेरे पास, तो ये 200 के समथिंग था। तो मुझे ये कॉइन्स और वॉलेट को मिला के मुझे ये 50 रुपीज़ में ऑफ़र में मिल गया। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका यूटिलाइज़ किया जाए। इसको मैंने घर पे पहनने के लिए मंगाया था बट यार ये मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है और अब ना इसको मैं बाहर कहीं घूमने जाऊँगी ट्रैवलिंग के लिए, तब मैं इसको वेयर करूँगी। सीरियसली गाइज, ये ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन ना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। एंड जल्दी जल्दी से इसको ओपन करती हूँ और आप लोगों को पहन के दिखाती हूँ ये टॉप एंड ये स्कर्ट। सो गाइज़, ये इस तरीके से इसकी डोरियाँ भी आई हुई हैं एंड ये ओपन है पूरा और इसको आप टाई अप करना पड़ेगा तब जाके इसका फुल लुक आपको पता चलेगा गाइस। सो ये देखिए, इतनी लेंथ में है ये और मैंने फ्री साइज़ मंगाया था तो इस तरीके से आया हुआ है। चलो पहन के देखते हैं आप। सो गाइस, वन बाय वन मैं इनकी अनबॉक्सिंग तो करती है और अभी मैं इन सबको पहन के भी दिखाती हूँ कि ये मुझ पर कैसी लग रही है और कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। तो जल्दी से पहनते हैं इन ड्रेसेस। सो गाइज, मैंने ये पहना है जैब्रा प्रिंटेड टॉप, तो आपको कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बता दें मुझे। सो इसका फुल लुक मैं आपको दिखा देती हूँ अभी। सो गाइज़, ये है इस टॉप का फुल लुक एंड ये जैब्रा प्रिंटेड टॉप है, एल साइज़ मैंने मंगाया है इसको एंड ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और आप चाहें तो इसको थोड़ा सा लेंथ इसकी बढ़ा सकते हैं, मैंने कुछ ज़्यादा इसकी डोरियाँ बांधने के चक्कर में इसको छोटा कर दिया बट ठीक लग रहा है। सो ये बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लग रहा है, थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए यार हमेशा ताकि आपको देखें सब। सो गाइज, ये देखिए, आप देख सकते हैं इसकी जो स्कर्ट है और ये ओपन स्कर्ट है और इसको टाई अप करना पड़ता है इस तरीके से और इसके साथ ना ये मतलब यहाँ पे आप बेल्ट, इस बेल्ट को घुसा सकते हैं। तो इसको मैं पहन लेती हूँ एंड यू नो गाइस, दिस इज रियली अमेजिंग ड्रेस। सो गाइज, मैंने पहन ली है ये फ्लावर प्रिंटेड वाइट एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन की स्कर्ट जो कि मैंने मंगाई है फ्लिपकार्ट से 50 रुपीज़ में और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया लग रही है एंड मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। आपको पसंद आई क्या दोस्तों, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। सो गाइज़, ये स्कर्ट ना बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है एंड अगर आप भी परचेज़ करना चाहते हैं इसको तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी तो वहां से आप परचेज़ कर सकते हैं। बट आपको ये 50 रुपीज़ की नहीं मिलेगी क्योंकि मेरे फ्लिपकार्ट अकाउंट में 100 रुपीज़ वॉलेट में पड़े हुए थे तो इस वजह से मुझे ये 50 रुपीज़ में मिल गई। सो कैसी लगी दोस्तों आप? सो गाइज़, आपको टॉप ज़्यादा बेस्ट लगा या फिर ये स्कर्ट, कमेंट में हमें ज़रूर बताएँ दोस्तों। सो मैं मिलती हूँ आपको अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
सो गाइज, आपको कौन सा ज़्यादा बेस्ट लगा, टॉप या फिर स्कर्ट? और दोनों में से जो भी आपको बेस्ट लगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बता दें। सो गाइज, मैं मिलती हूँ आपको अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।